draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of lengths 4 cm and 3 cm. So, 4 or 3 ki hai. Then construct another triangle whose sides 5 by 3 times the corresponding sides of the given triangle. So, sabse pehle hum 4 cm ki ek line draw karenge. Uske baad 3 cm ki karenge. तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे और उसके बाद 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री बनाएंगे इस तरह से और यहाँ 4 की बनेगी या 3 की बनेगी फिर उसको ज्वाइन कर देंगे हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है इसलिए ये 5 ही निकल के आएगा और उसके बाद हमने एक एक्यूट लाइन ड्रा करनी है इस तरह से और फिर उसके 5 आर्क लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ा है इसलिए और फिर थर्ड आर्क से ज्वाइन करेंगे और फिर फिफ्थ आर्क से पैरेलल ड्रा करेंगे और फिर एक और पैरेलल ड्रा करेंगे तो ये हमारी एक रफ फिगर है ये बना लेनी चाहिए और चलिए अब बनाते हैं तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली थोड़ा डार्क कर लीजिए एक्सटेंड कर देते हैं इसको ये पॉइंट है हमारा एक ये पॉइंट है इन पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं ए और बी तो ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर बन गया है अब बी पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जैसे कि हमने पिछली कंस्ट्रक्शंस वीडियो में बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से आप बना सकते हैं तो एक कंपास की सहायता से एक कन्वीनियंट रेडियस को लेते हुए एक आर्क लगाएंगे पूरा आर्क लगा लीजिए और ये हमारा 180 डिग्री का इंटरसेक्शन होता है जैसे कि पिछली वीडियो में बताया हुआ हमने एक आर्क लगाएंगे इससे और इससे 0 डिग्री वाले से आर्क लगाएंगे तो ये जहाँ कट करेगा उस पॉइंट से बी को ज्वाइन करेंगे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है अब हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है तो स्केल की सहायता से आप ये 3 सेंटीमीटर बना लीजिए इसको लेबल कर देते हैं इस पॉइंट को इसको सी बोल देते हैं और अब हम एसी को ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए ये हमने ज्वाइन किया ये 5 सेंटीमीटर की आ रही है आप देख भी सकते हैं साथ साथ जैसे कि हमने रफ फिगर में बताया भी है अब हम ए बी से एक एक्यूट लाइन बनाएंगे ये हमने लाइन बना ली है ए एक्स और इस पे अब हम 5 आर्क लगाएंगे तो कंपास की सहायता से हमें आर्क लगाने हैं एक कन्वीनियंट रेडियस खोलते हुए इसी रेडियस को मेंटेन करना है आपने हिलना नहीं चाहिए थोड़ा बहुत भी दूसरा आर्क लग गया हमारा बड़े ध्यान से लगाना है आपने ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा एक और रह गया अभी तो ये हमारा पांचवा हो गया अब इन आर्क्स को नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 और A5 अब हमें 5x3 टाइम्स बनाना है तो 5 तो यानी कि आउटसाइड बनेगा ये 3 से ज्वाइन करेंगे हम तो A3 से B को ज्वाइन कर दीजिए ये हमने A3 से B को ज्वाइन कर दिया अब A3 B के पैरेलल बनाना है लाइन जो कि पास करेगी A5 से तो जो पैरेलल लाइन बनाने का तरीका है जो कि पिछली वीडियो में सिखाया है उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो कंपास की सहायता से एक आर्क लगा लीजिए अब A5 पे निडल को रखिए और फिर सेम उसी रेडियस का आर्क लगाएंगे फिर ये जो आर्क हमने पिछला लगाया है इसके लेंथ को मेजर करेंगे कुछ इस प्रकार से निडल को रखिए और ये हमने मेजर कर लिया और अब दूसरे आर्क पे ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर देंगे तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको A5 से ज्वाइन करेंगे थोड़ा इस तरह से ज्वाइन करना है कि पैरेलल आपकी लाइन लगनी भी चाहिए
और ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो देख सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल भी लग रही है ए थ्री बी के, तो ये ए फाइव बी डैश ये हमारी लाइन बन गई। अब ए सी को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि अब हमें लाइन बनानी है बी सी के पैरेलल जो कि बी डैश से पास करेगी। तो ये हमने बी पे रखा, इसी को ले लेते हैं, ये जो पिछला आर्क की लेंथ है इसी को ले लो, और ये आप बी डैश से ये आर्क लगा लो, दूसरा आर्क लग गया हमारा। अब पिछले आर्क की लेंथ को हमने मेजर करना होता है ये इस प्रकार से, देखिए ये कहाँ रखना है, निडल को ध्यान से रखना है आपने, और ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक मेजर करना है, और अब ये सेकंड आर्क को इंटरसेक्ट करना है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी डैश से ज्वाइन करेंगे और ये एक्सटेंडेड लाइन जो है एसी की उस पे कट करेगा, थोड़ा ध्यान से करना है। ये आपने एक बार लेबल कर लिया ढंग से और अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा ध्यान रहे कि ये पैरेलल होना चाहिए, कई बार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, पैरेलल लगता नहीं है तो पैरेलल लगना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना आपने। तो ये आपका सी डैश लेबल हमने कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी बन चुकी है ए बी सी। जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा हमारा ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश के, जिसमें कि 5/3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी डैश के होगा, और ए बी डैश अपोन में ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, क्रोस्पोंडिंग साइड्स को देख रहे हैं यहाँ पर, ए सी डैश अपोन में ए सी होगा और बी डैश सी डैश के क्रोस्पोंडिंग में आएगा आपका बी सी, तो बी डैश सी डैश अपोन में बी सी, और यहाँ देख सकते हैं ए बी डैश अपोन में ए बी, ए सी डैश अपोन में ए सी और बी डैश सी डैश अपोन में बी सी, और इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3 टाइम्स। तो इस प्रकार से हमारी कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट होती है।